हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बहुत ज़बरदस्त रेमेडी तैयार करने वाले हैं जिनको बॉडी पे पिगमेंटेशन हो गई है और बॉडी के किसी पार्ट पे भी हो गई है या फेस पर हुई है, फ्रैकल्स आ गई हैं। तो ये क्यों आती हैं? बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ मेलेनिन। तो इसको काम करने के लिए हम ने कोई रेमेडी तैयार की है। मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि पिगमेंटेशन पे रेमेडी तैयार की जाए। इट टुक टाइम बिकॉज आई टेस्टेड दैट। तो आपको बहुत ही हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा क्योंकि ये टाइम लेता है आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होने में। तो हम लोग जिनकी इंतहाई सेंसिटिव स्किन है उसको भी डील करेंगे अपनी रेमेडी में। आई हैव 3 डिफरेंट रेमेडीज, तो लेट्स स्टार्ट। आसानी के लिए मैंने पहले से ही जूसेस जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर रखे हैं। द इंग्रेडिएंट्स वी विल नीड, दिस इज़ द अनियन जूस, ये है 1 टीस्पून, ये मैंने इधर ले लिया है। नेक्स्ट थिंग इज द एप्पल जूस, ग्रीन एप्पल आपने लेना है और उसमें से अच्छे से जूस निकाल लेना है। तो एक चम्मच जो है, एक चम्मच वो हमें इसमें चाहिए होगा। मैंने एक एक चम्मच ही रखा हुआ है, ठीक हो गया। नेक्स्ट थिंग इज़ द पोटैटो जूस, तो पोटैटो जूस भी आप ले लेंगे 1 ही टीस्पून। ये हमने ले लिया पोटैटो जूस, ये भी मैं इसके अंदर डालूँगी। हम इसे बड़े बाउल में मिक्स कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको चाहिए। अब ये जो मैंने अंदर डाल दिया है अनियन जूस, तो ये जो है ये थोड़ा हार्श फील हो सकता है आपके अंडर आर्म्स अगर आप यूज़ करते हैं इसे पिगमेंटेशन के लिए। तो इसके जो है टिंगलिंग वगैरह को हम ओवरकम करने के लिए वी नीड द हनी। भरा हुआ चम्मच हमने हनी का ले लिया यहाँ पर, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक हो गया। एक चम्मच, क्योंकि हमने सारी चीज़ें एक एक चम्मच ही मिक्स की हैं, तो इसी तरीके से हमने हनी भी एक चम्मच ले ली है। अब आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। नेक्स्ट थिंग यू विल नीड द ओट्स, ये है ओट्स जिसे हम दलिया भी कहते हैं, ये भी आप एक चम्मच इसमें डाल लेंगे, ठीक हो गया। ये सिर्फ बॉडी के लिए है क्योंकि अनियन जो है वो थोड़ा हार्श है, तो ये बॉडी के लिए ही आपको ठीक रहे। ये जो फाइन पाउडर इसका तैयार किया था हमने ओट्स का, वो भी हमने अंदर डाल लिया है। इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, चावल का आटा, ठीक हो गया। चावल का आटा आप ले लेंगे इतना सा, एक चम्मच, एक चम्मच हमने लेना है चावल का आटा, ठीक हो गया। चावल का आटा ले लिया हमने यहाँ पर एक चम्मच, इसको भी इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। एक चम्मच आप और ओट्स का ले लेंगे, इसे अच्छा सा पेस्ट बना लें। इसके अंदर हम लेमन भी ऐड करेंगे अगर आपने बॉडी पे यूज़ करना है तो। हम सारे केमिकल्स हार्श ही तकरीबन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अनियन जूस भी फेस पर, तो आप बिल्कुल भी ये चीज़ यूज़ नहीं करेंगे फेस की स्किन, वरना पील ऑफ होने लग जाएगी। इसीलिए बॉडी के जो मार्क्स होते हैं वो ढीट भी होते हैं, तो उसको हमने डील करने के लिए ये चीज़ें मिक्स की हैं अंदर। अब आपको एक चम्मच ही यहाँ पर लेमन जूस चाहिए, फ्रेश लेमन जूस आप यूज़ करेंगे और सारी चीज़ें फ्रेश यूज़ करेंगे। ये पैक तैयार है, अब आप हौसला रखेंगे और इसे यूज़ करेंगे। आप आफ्टर 2 डेज इसको यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पर, यूज़ नहीं करेंगे। ये हो गया बॉडी के लिए। फेस पे यूज़ करने के लिए अगर आप, तो आपकी स्किन ठीक ठाक है तो आप यहाँ पर पोटैटो जूस ले लेंगे, आलू का रस अच्छे से निकालेंगे। नेक्स्ट थिंग यू नीड इज़ द हनी, 1 टीस्पून आप हनी इसमें ऐड करेंगे। आलू भी थोड़ा सा एस्टिक ही होता है, लेकिन जिनकी स्किन बिल्कुल ठीक है वो इस फेस पैक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपने इसके अंदर ऐड कर लिया। नेक्स्ट थिंग यू नीड इज़, ये मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ यहाँ पर चावल का आटा, तो चावल का आटा आप लेंगे पूरा एक चम्मच, ठीक हो गया। चावल का आटा भी ले लेंगे। जिनकी स्किन बिल्कुल ठीक है, उनको कोई रेडनेस या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो इस चीज़ को यूज़ करेंगे। जिनकी स्किन सेंसिटिव है उसके लिए मैं एक और फेस पैक लाई हूँ, आप वो यूज़ करेंगे। चावल का आटा हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है। मैं मार्केट से पपाया लेने गई थी लेकिन मुझे नहीं मिला, तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप पपाया यूज़ करेंगे जो कि मेलानिन इफ़ेक्ट को कम करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। तो आप पपाया को बिल्कुल उसका मैश कर लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस तरीके से फेस पर अप्लाई कर लेंगे, इंशाल्लाह रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। नेक्स्ट फेस पैक इज़ अबाउट जिनकी स्किन बेहद सेंसिटिव है, उनको कुछ भी सूट नहीं करता, तो आपको इतनी सी ग्राइंडेड पाउडर्ड फॉर्म में चीनी चाहिए होगी, जिसके अंदर आप ऐड करेंगे कोई सा भी खुश्क दूध, ठीक हो गया,
खुश्क दूध मैं यहाँ पर ले रही हूँ, पूरा एक चम्मच आपने खुश्क दूध का लेना। खुश्क दूध में ये प्रॉपर्टी है कि आपकी स्किन को रिपेयर कर सके और ग्लोइंग बना सके। इट्स ए गुड ऑप्शन जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसको आप अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये फेस पैक कोई रेडनेस नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, बल्कि स्किन को रिपेयर ही करेगा। नेक्स्ट थिंग यू नीड इज़ द रोज़ वाटर। ये आप रोज़ वाटर ले लेंगे और इसमें हम ऐड करवा देंगे जितना हमें ऐड करवाना है। ठीक हो गया, एक एक चम्मच हमने तीनों चीज़ों का ले लिया और ये इस तरीके का बन चुका है। ये आपने यूज़ करना है, या आप रोज़ यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन पिगमेंटेशन और फ्रेकल्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, मैंने तीन रेमडीज़ आपको बताई हैं बॉडी के लिए, सही स्किन जिनकी है फेस पे लगाने के लिए और जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए। अगर आपको रेमडी अच्छी लगी है तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।